एको नाम ते है मन मेरे, एको नाम ते है मन मेरे, एको नाम ते है मन मेरे, एको नाम ते एको नाम ते आए मन मेरे।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ, ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਥਾ ਪਰਵਾਸਾ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਣਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂ? ਦੇਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਅੱਡਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਰਥਾ ਪਰਵਾਸਾ ਲੋਕ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਟੇਕ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਭਈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਬਿਡਾਣੀ ਲਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਦੀ, ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਵਰ ਛੁੱਟੀ ਸਭ ਆਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਚਿੰਤ ਠਾਕੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਤਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ
हर एक तरह की चिंता मुक जाती है। सतगुरु ने बार बार समझाया है भाई चिंता किस गल की चिंता, साहब आखते हैं नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जल में जंत उपायन तिना भी रोजी दे। जी आखिए केवल रोजी रोटी खातर ही असी चिंता करते हाँ, अपने बच्चों की चिंता करते हाँ, तो साहब आखते हैं 42 लाख जीव धरती के उत्ते वसदा है तो 42 लाख जीव पानी विच रहिंदा है, उन्हां दी रोजी रोटी का प्रबंध भी तो सतगुरु ने किया ही है। फिर तू क्यों बेअन चिंता करता है, तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पाई मेदनी सोई करता सर, जिसने पैदा किया है वह रोजी भी बख्शेगा और रोजी भी देगा। स्वामी तुलसी दास ने एक दोहरा बड़ा सुंदर लिखा है, कहते जो बच्चा जन्म लेंदा है, ये परमेश्वर की कृपा वेखो ना, जीव बाद विच जन्म लेंदा है, पहला उदी रोजी रोटी मालक उदी मां दे कोल भेज देता है, पहलो देता है रिजक समाहा भाव रिजक उदी रोटी आ जाती है, पिछों देता है जंत उपाहा गुरबाणी आखदी है। मां दे कोल दुध रूप दे विच खुराक बच्चे की पहला आ गई ते बच्चे का जन्म बाद विच होया। इस तरह तुलसीदास जी भी आखते हैं भी जब दांत न थे तब दूध दिया। बच्चा पैदा होया क्योंकि जन्म ते उस तो बाद ही तो खाना नहीं शुरू कर दिंदा, दुध दे नाल उसकी भुख मिटदी है। कहिंदे जब दांत न थे जन्म तो बाद दंद नहीं हन, खुराक मां दे दुध दी खुराक। कहिंदे जब समा पा के दंद आ गए अन्न खाण जोगा हो गया, कहते अब दांत दिए तो क्या अन्न ना दे है। कहते जो दंद नहीं सन उदो दुध रूप खुराक दे दी, हुण जे दंद दे दिते हन तां की गल वो अन्न पानी नहीं दे। कहते उहदे उत्ते आस रख, उहदी टेक लै, मत किसे मनुख मत दी टेक रख। सतगुरु जी कहते हैं तुम ही कारण करन, तो ही करण हर करतार है, तेरी ही सारी कुदरत है, करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोई, नानक तिस बलिहारण जल थल मैयल सो। उसे दी ही किरत है सारी संसार, उसे दी ही ये वड्याई है, उसे दी ही रहमत है, ते ऐसी किरत नू वेख के मन अश अश कर उठता है, बलिहार जाइए उसकी कुदरत तो। नानक तिस बलिहारण है जल थल मही लसोए, जिहड़ा जल दे विच भी जिहड़ा थल दे विच भी आप वसिया है। किदा वसिया है, सतगुरु जी कहिंदे हन सगल वनस्पत मह मैं संतर, सगल दूध मैं घीआ, ऊंच नीच मैं जोत समाणी, घट घट माधो जीआ। सगल वनस्पत मह पै संतर, जिवें वनस्पति विच लक्कड़ दे विच अग छुपी हुई है, सगल दूध मैं किया दुध दे विच क्यों छुपया पिया है, उसनों कढ़न दा एक ढंग है, एक तरीका है, पर वास है दुध दे विच। कहिंदे इसे तरह ऊंच नीच मैं जोत समाणी, घट घट माधो जी, हर एक जीव दे विच ओह वसदा है। 100 बर्तन पानी दे इकट्ठे कर लईए, हर एक बर्तन दे विच चंद्रमा दिसदा है, हर एक बर्तन दे विच सूरज विखदा है, इसे तरह हर एक जीव दे विच मालक आप समाया होया है, आप वसया होया है। तुम ही कारण करन चरण कमल हर शरण, उहदी शरण दे विच जाण दा लाभ ही लाभ है, क्यों सतगुरु दा फरमान है प्रभु की शरण सगल भय लाथे, दुख बिनसे सुख पाया। हर एक बंदा सुख की प्राप्ति वास्ते दौड़ा है, सुख कितों मिलना है, साहब आखते हैं जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। परमेश्वर की शरण तो बिना, राम की शरण तो बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। चरण कमल हर शरण, उसके चरणों के विच ही सुख है। जिन्होंने ये मौज माणी है उन्होंने बाणी ने यह गल आखी है, कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कैवे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जिन्होंने चरणा की मौज माणी वह आखते हैं कि वो उस मौज को बयान नहीं किया जा सकता,
फिर उदाहरण दे के समझाया कबीर साहब कहन लगे कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिया पूछे ते क्या कहिया। ओ आनंद मानन वाला जेड़ा जीव है जिवें कबीर साहब आखते हैं गूंगे ने मिठाई खाधी गूंगे ने गुड़ खाया मिठा खाधा उन्हें पूछिए भाई का स्वाद किहो जिहा है कहिंदे वो दस नहीं सकता। इस तरह जिन्हां ने मालक के चरणों की मौज माणी वो फिर अपने आनंद दे विच ही विचरते हैं वो फिर दसण के काबिल नहीं ने ते दस ही नहीं सकते। तिस ही की ओट सदीव मन तन हर उही ध्याया कहिंदे मन दे नाल भी तन दे नाल भी मैं उसनों सिमरिया आनंद हर रूप दिखाया उसने आनंद रूप अपना विखा दिता आनंद का रूप। तिस ही की ओट सदीव जाके कीनी है जी कहिंदे सदा ही मैं तो उहदी ओट लई आ। जिहड़े सदा ही प्रभु का आसरा लैंदे हन उहदे चरणों दे विच परवान हो जांदे हन। तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव जिन्हें सारे जीवन नूं बनाया हुआ जिहड़ा करता है सब संसार का करतार कहिंदे उसनूं हर वेले सिमर सिमरत हर करत निधान रखनहार निधान जिहड़ा गुणा का खजाना है गुणा का समुंदर है उसनूं सिमर उसनूं ध्या कितना ध्या। सतगुरु कहिंदे हन सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उधर है चिंद कहिंदे हर वेले जे खाना है प्रशादा भी छकदा तां भी उहदा ध्यान कर उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। साहिब कहिंदे इदां सिमर उस उठद्या बहिंद्या हर वेले उसका जाप कर हर वेले उसनों याद रख फिर वेखी ओ आनंद किहो जिहा बणदा है फिर वेखी सिमरन दे विचों किवें बरकतां निकलदियां हन। सिमरत हर करत निधान गुणां दे खजाने नूं सिमरदिआं किवें रहमत हुंदी है राखनहार निधान। साहिब आखदे हन ओड़क नूं अंत नूं वी ओह परमात्मा तेरी पैज रखेगा निदान कहिंदे हन अंत नूं ओड़क सिमरत हर करत निधान राखनहार निधान। अगले उपदेश विच साहिब जी रहमत करदे हन सर्व की रेण हो भी जाए कहते निम्रता दे नाल विचर संसार दे विच सबना दी तूड़। साहिब ने इत्थों तक आख्या है भी जेड़े प्रभु का सिमरन करते हैं मैं उन्हां दे चरणां दी तूड़ी लभदा फिरदा हूँ जन नानक तूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपै और नाम जपावे जिहड़ा आप जपदा है ते होरां नूं जपाउंदा। साहिब आखदे हन गुरसिखां की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाहे कहिंदे उहनां प्यारिआं दी तूड़ी मिल जावे मैं मस्तक नूं लावां। साहिब दा फरमान है खाक संतन की तेरे चरणों में आया तेरे प्यारियां दी खाक मिल जावे तेरा नाम जपण वाली रूहां दे चरणों दी तूड़ी मिल जावे तां मस्तक नूं ला के अपने आप नूं मैं वडभागा समझां। साहिब आखदे हन सर्व की रेण होवी जै आप मिटाए मिली जै अपना आप अपना हंकार निम्रता दे नाल मिट जांदा है क्योंकि हंकार ही है ना जिहड़ा सानूं झुकण नहीं दिंदा ते हंकारी बंदा कदे चुकदा नहीं हंकारी नहीं चुकदा। इसे करके सतगुरु ने सानू ये गल समझाई है कि सारिआं दी रेण बन जा तूड़ी बन जा अपना आप मिटा दे अपने हंकार नूं मन दे विचों कढ दे अन दिन ध्याईए नाम सफल नानक इहो काम हर वेले अन दिन हर रोज स्वास स्वास पल पल हर स्वास दे उत्ते सतगुरु दा नाम लिख दे तेरा उही सवास सफल हो गया। की कहते हैं इस बारे सतगुरु जी दम दम सदा संभाल दम ना मिलता जाए
ਧਿਆਈਏ ਨਾਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਕਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਈਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਵੀ ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਕਾਰ ਜਾਵੇ ਰਾਸ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਨਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ।